नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली हमारे साथ हैं। सर, अंतरिम बजट में दिया कुमारी भजनलाल सरकार का विजन कुछ समझ में आ रहा है आपको? विजन मेरे तो क्या पूरे राजस्थान को समझ में नहीं आ रहा। कोई बात इस बजट के अंदर ऐसी नहीं है जो राजस्थान के विजन को लेके कही गई हो। यहाँ के आदिवासी को, दलित को, पिछड़े को, किसान को, मजदूर को, मध्यम वर्ग को, व्यापारी वर्ग को, किसी वर्ग को तो विजन में लेते, किसी के लिए कोई दो शब्द भी इस बजट के अंदर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो योजनाएं चल रही हैं उन्हीं को एक घुमा फिरा के बात कही गई है। केजी से पीजी तक की एजुकेशन फ्री करेंगे, तो ऑलरेडी फ्री बराबर ही है। आप बता दें बजट में कितना प्रावधान किया है, वित्त मंत्री जी बता दें कि बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान केजी से पीजी तक की फ्री एजुकेशन के लिए किया है। आप कह रहे हम 150 रुपये पेंशन बढ़ाएंगे, ऑलरेडी मिनिमम इनकम गारंटी कानून राजस्थान के अंदर बना है जो हर साल 15% जो पेंशन है वो इनको बढ़ानी पड़ेगी, कानून बना दिया, तो उसमें ये कौन सा अलग कर रहे हैं? 70,000 नौकरी दे रहे हैं, हाईटेक सिटी बना रहे हैं हैदराबाद की तरह। मैं तो ये कहूँगा पहले तो वो 100 स्मार्ट सिटी ला दें जो 10 साल पहले मोदी जी ने जिनकी घोषणा की थी, वो आदर्श गांव ला दें जो सांसदों ने गोद लिए थे। यहाँ वसुंधरा जी के टाइम में भी ये महिंद्रा सेज सिटी, इसको भी बनाने की बात करते थे, इसका क्या रहा ये भी बता दें। और आज आप उस सिटी बनाने के लिए आपने कितना प्रोविजन किया है, क्या किया है वो बता दें आप, कैसे बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, कितने लागत से बनाएंगे, ये कुछ भी नहीं है। आपकी मेट्रो रेल को आगे बढ़ा रहे हैं, DPR बना दिया, वो तो ऑलरेडी हमारे टाइम की DPR के लिए प्रोसेस चल रही है। जो मेट्रो जयपुर के अंदर बनी हमने ही बनाई है, हमारे दोनों कार्यकाल के अंदर यहाँ मेट्रो बनी है, आगे बढ़ाने की DPR भी हमने ही बनाई है। तब ये हमारी वाली बात को रिपीट कर रहे हैं। एक आपने चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान सुना होगा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल अशोक गहलोत सरकार सबसे ज्यादा जेब काटती है, कुछ यहाँ पर बोला गया? ये तो मोदी जी ने खुद कहा था कि यहाँ सबसे ज्यादा वेट ले रहे हैं, जबकि हकीकत ये है भारत सरकार पहले जो सेस लगाती थी, वेट लगाती थी, उसमें राज्यों का हिस्सा होता था। मोदी जी ने उस वेट को कम कर दिया और नया सेस लगा दिया जो सीधा भारत सरकार को जाता है। आप लोगों को उम्मीद ही कम किया जाएगा ना? मैं वही उसी बात पे आ रहा हूँ। उम्मीद तो हमें क्या जनता को थी, किन लोगों की घोषणा है, इनके एजेंडे में है, लगातार ये कहते रहे हैं कि डीजल पेट्रोल हम हरियाणा के बराबर करेंगे, तो आज उस पर तो जिक्र ही नहीं किया, नाम ही नहीं लिया उस बात का। मैं तो सोच रहा था कहीं एक पन्ना भूल गए हैं ये, लेकिन बाद में पता चला पन्ना नहीं भूले, नियत ही साफ नहीं है इनकी। आखिरी सवाल सर, आपने घाटा, राजकोषीय घाटा दुगना कर दिया, 36,800 रुपया प्रति व्यक्ति पर कर चढ़ा हुआ है, ये सब आपकी आर्थिक कुप्रबंधन का नतीजा है, ऐसा वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज सदन में कहा। देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो हमने जो लोन लिया था वो भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप लिया था, एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात यह है, इन लोगों के समय में वो घाटा 2.5 गुना था, हमारे समय में वो घाटा 1.5 गुना हुआ, हमारा घाटा कम हुआ है। और अब जो इन्होंने आज जो बजट पेश किया है इसमें भी घाटा इन्होंने 67,000 करोड़ रुपए माना है इनने जो ये खुद करेंगे, तो अगर 5 साल का इसका लगाएंगे तो ये तो हमारे से भी ज़्यादा घाटा कर देंगे, दुगने से भी ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसके बारे में ये क्या कहना चाहते हैं? नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली थे जो कि अंतरिम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, सभी बातों पर साफ तौर पर बताया और कहा कि इस बजट से बड़ी निराशा हुई है क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि पेट्रोल डीजल पर वैट कम होगा, नहीं हुई। अशोक गहलोत सरकार की योजनाओं के बारे में भी इनका यह कहना है केवल नाम बदला गया, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया गया। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।